श्रीलंका और इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो जाए, ऐसा मैं नहीं बहुत सारे इंडियन फैंस सोच रहे हैं और वो इस उम्मीद को लगा के बैठे हैं कि इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया जीतेगा और अगर उनके लिए रास्ता और इजी हो जाएगा जब श्रीलंका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसी उम्मीद तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन इश्यू ये है कि बीच में एक दीवार है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इस वजह से खेल सकता है कि श्रीलंका जिस तेजी से रैंकिंग में ऊपर चला आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रही है कि इंडिया इस वक्त टॉप पर है और इंडिया अभी जब बांग्लादेश को डेफिनेटली हरा देगा दूसरा टेस्ट मैच भी, और उसके बाद जब न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू होगी, अगर न्यूजीलैंड को वो सीरीज इंडिया हरा देता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। उसमें फिर इंडिया को बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो होगी उसमें अगर इंडिया को कोई भी थोड़ा भी धचका लगता है तो इंडिया को रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल क्वालिफाई करने का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। श्रीलंका जिस तेजी से अपनी रैंकिंग में नंबर 3 पर आया है, जिस तरह उसने बेशक वो सीरीज जरूर हारा है इंग्लैंड से, इंग्लैंड की सरजमीन पे, लेकिन तीसरा टेस्ट मैच जीता इंग्लैंड में, उसके बाद अभी उसने न्यूजीलैंड को 63 रन से अपने ही होम ग्राउंड में टेस्ट मैच हराया और अभी जो ऑनगोइंग चल रहा है दूसरा टेस्ट मैच, अगर श्रीलंका ये वाला टेस्ट मैच हरा देता है न्यूजीलैंड को तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे श्रीलंका के क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। उसके लिए श्रीलंका को हराना होगा जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, और श्रीलंका की सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया से और वो सीरीज श्रीलंका के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को दो टेस्ट मैचेस में से कोई एक टेस्ट मैच में हरा देता है ना, और दूसरी साइड पे अगर इंडिया जो है वो भास्कर गावस्कर सीरीज में जो शुरू होगी नवंबर में उसमें अगर ऑस्ट्रेलिया को हराता है वो सीरीज, तो फिर बहुत 99% ज्यादा चांसेस ये हो जाएंगे कि श्रीलंका वर्सेस इंडिया हो जाएगा जो कि इंग्लैंड में खेला जाएगा जून 2025 में। बहुत सारे इंडियन फैंस इस उम्मीद पे लगाए रखे हैं, जो तगड़े फैंस होते हैं ना इंडिया के, वो ये कहेंगे कि नहीं यार ऑस्ट्रेलिया आए क्योंकि हम इतने इस वक्त तगड़े हैं ये कि हम आराम से ऑस्ट्रेलिया से दो बदले ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से एक बदला लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का लिया जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप उड़ाए 19 नवंबर 2023 का फाइनल का बदला लिया जा सकता है। तो के सोच इंडिया में ये भी एक तरफ ये है कि ऑस्ट्रेलिया ही आए और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मारे तो उसका मजा एक अलग ही होगा, वो एक डबल मजा हो जाएगा। दूसरी सोच ये रखती है इंडियन फैंस, वो ये कहते हुए नजर आते हैं अगर आप सोशल मीडिया पढ़ें तो वो इस उम्मीद पे कि यार इतना इजी नहीं है ऑस्ट्रेलिया को लेना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने चोकर बन जाता है जब भी फाइनल में आता है। वो सबने देखा कि जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ तो क्या हाल किया ऑस्ट्रेलिया ने 19 नवंबर 2023 के फाइनल वनडे इंटरनेशनल में, तो क्या हाल किया। और अगर इस बार भी फाइनल में अगर इंडिया तीसरी बार फाइनल पहुंच के हारता है तो बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो जो दिलेर है वो तो दिलेर है फैंस, लेकिन जो इस तरह के थोड़े बहुत न्यूट्रल है ना कि कहते हैं नहीं यार अच्छा है श्रीलंका आ जाए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मैच जो है ना वो इंग्लैंड की सरजमीन पे होगा फाइनल, और वो जो कंडीशंस है ना वो ऑस्ट्रेलियंस को ज्यादा सूट करती है एज कम्पेयर टू इंडिया को। और इंडिया आपके सामने देख भी चुका है कि दो बार फाइनल में हार चुका है, एक न्यूजीलैंड से और एक ऑस्ट्रेलिया से, तो अब दोबारा अगर ऑस्ट्रेलिया आता है तो उसके लिए इंडिया को थोड़े मसले होंगे, लेकिन अगर श्रीलंका आता है तो इंडिया 99% चांस ये है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत जाएगा, क्योंकि श्रीलंका ठीक है इतनी तगड़ी जरूर होगी लेकिन इतनी तगड़ी नहीं होगी कि वो इंग्लैंड की ही सरजमीन पे इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हरा दे। तो फैंस इस वक्त डिवाइडेड है, बहुत सारे इस कश्मकश में है कि यार ऑस्ट्रेलिया ना आए, बहुत सारे चक्कर में कि ऑस्ट्रेलिया आ जाए। आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किसका फाइनल होना चाहिए, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। श्रीलंका ये टेस्ट मैच जो चल रहा है न्यूजीलैंड से इसको हराता है, उसके बाद इंडिया अगर न्यूजीलैंड से हारता है तो इंडिया के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इंडिया के लिए मुश्किल इस सूरत में खड़ी हो जाएगी, हाँ ये मैं एक मफरूजे में बात कर रहा हूँ, एवरीवन नोज कि इस वक्त इंडिया नंबर 1 टीम है, इंडिया को हराना आसान नहीं है क्योंकि न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से हार के इंडिया जाएगी खेलने तो उसका मोराल वैसे ही डाउन होगा। जो टीम श्रीलंका की सरजमीन में श्रीलंका से हार के आ जाए तो आप उससे ये एक्सपेक्ट किसी सूरत नहीं कर सकते, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम से, कि वो इंडिया में यानी भारत में जाके भारत की टीम को टेस्ट मैच और वो भी टेस्ट सीरीज हरा के आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
और अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो डेफिनेटली इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अगर इंडिया थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गई कहानी तो न्यूजीलैंड के सामने, तो फिर इंडिया के लिए टेंशन उस वक्त बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर इंडिया को गावस्कर गावस्कर सीरीज जो होगी ना वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो होगी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों के लिए। ऐसे तो वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां अना का मसला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बातें इस वक्त चल रही है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की कि जी 5-0 से हराएंगे इंडिया को इस बार, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना हल्का नहीं है इंडिया कि आप उसको 5-0 से हरा दे। हाँ, आप जितने भी ऑस्ट्रेलियन तगड़े हो जाए वो इंडिया को 5-0 से तो नहीं हरा सकते अपनी सरजमीन पे, ये तो कंफर्म है। इंडिया ने टफ टाइम देना है, क्या पता आपको सीरीज भी हरा दे, जैसे हमेशा से हराती आ रही है। मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना। खैर, तो बात ये थी कि अगर न्यूजीलैंड ने थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दिया ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ इंडियन सरजमीन पे और जरा भी अपसेट आ गया तो फिर तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो है ना वो ऐसी होगी कि फिर उन दो उस सीरीज में जो जीतेगा ना वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए। फिर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा, और इंडिया और श्रीलंका का जो मैच है वो भी थोड़ा क्रूशियल हो सकता है जब भी टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि अभी श्रीलंका को इस टेस्ट मैच जो कंटिन्यू है, इस टेस्ट मैच के बाद श्रीलंका को मजीद 6 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और उस 6 टेस्ट मैच में से भी श्रीलंका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालिफाई करने के लिए मेरे ख्याल से 4 मैच जीतना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं श्रीलंका में कितना दमखम है, बहुत तगड़ी टीम बन के आ रही है। जयसूर्या जब से उनके हेड कोच हुए हैं श्रीलंका एक अलग लेवल की दिख रही है। उन्होंने इंडिया को वनडे सीरीज में बायलैटरल सीरीज में वाइट वॉश किया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज तो आ रही लेकिन टेस्ट मैच जीत गए, और अभी टफ टाइम दिया हुआ है अपनी ही सरजमीन पर न्यूजीलैंड को। सो टफ टाइम दे रही है श्रीलंका, एक ऐसी तगड़ी टीम हो गई है जो इस वक्त बेसबॉल क्या साउथ अफ्रीका क्या न्यूजीलैंड क्या सब पर हावी चल रही है और नंबर 3 पे खेल रही है दुनिया। इस वक्त दुनिया क्रिकेट पे श्रीलंका से पहले जो लोग राज कर रहे थे वो एक ऑस्ट्रेलियंस थे और वो एक इंडियंस थे जो एक टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में राज कर रहे थे। अब एक तीसरी टीम आ गई है जो एक खतरे की घंटी बच रही है। इंडिया के लिए तो बहुत कम है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी ज़्यादा खतरे की घंटी बचती जा रही है जिस तरह की श्रीलंका परफॉर्मेंस देती चली आ रही है जयसूर्या की हेड कोच की सरपरस्ती में। बाकी उम्मीद करते हैं कि सीरीज आगे जाके बड़ी क्रूशल और एक एक्साइटिंग हो जाएगी, क्योंकि पहले लग रहा था कि यार इट्स इजी, इंडिया पहुंचा हुआ है, इंडिया के 71+ पॉइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के 60+ पॉइंट्स हैं, इसी तरह 50+ पॉइंट्स श्रीलंका जिस तरह तेजी से आ रहा है, अगर श्रीलंका सेकेंड पोजिशन ले लेता है तो बहुत बहुत बड़ा शॉकिंग होगा, किसी एक को भी बाहर करता है। इंडिया को तो खैर चांसेस बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया अगर बाहर होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से तो ये बहुत बड़ी सक्सेस ना सिर्फ श्रीलंका के लिए होगी बल्कि जयसूर्या के लिए तो बहुत बड़ी होगी। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको किसको चाहते हैं कि इंडिया के साथ फाइनल किसका हो, श्रीलंका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, राय का इजहार कीजिएगा।